हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मार्केट में खबरें जो है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिव ही हैं। जो फैक्टर्स हैं वो भी मार्केट के फेवर में है, जैसे कि क्रूड ऑयल लगातार नीचे गिर रहा है, अभी नया लो लगा दिया क्रूड ऑयल ने। उसके साथ साथ ट्रेजरी यील्ड की बात करें वो भी धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जहां पे हमें लगे कि यार मार्केट के लिए नेगेटिव है या मार्केट को गिरना चाहिए। पर हाँ, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि मार्केट जो है अभी लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, लाइफ टाइम हाई पे आएगी तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रेडर सोचेंगे कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और हाई बनने के बाद वहां पे बिकवाली देखने को मिल रही है हमें। पर बिकवाली देखने का मतलब यह है कि जहां पे मार्केट में गिरावट आएगी उसके बाद वहां पे नए ट्रेडर दोबारा से जो बुलिश है मार्केट को लेके, वो दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं कि मार्केट में गिरावट आ चुकी है, अब चीजें सस्ती मिल रहे हैं, स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं, अब दोबारा से खरीदारी कर लो। तो गाइस अभी कुछ दिन हमें यही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब तक ये मीटिंग चल रही है आरबीआई की, तब तक तो ऐसा ही कुछ माहौल रहेगा कि जैसे ही नए हाइज बनेंगे या मार्केट ऊपर जाएगी तो वहां पे बिकवाली, और जैसे ही वहां पे कोई डिप देखने को मिलता है तो वहां पे नए खरीदार आ जाएंगे।